नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोनू राजपूत ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये aghorbhairav.com से लिया गया है। इंटरनेट पर यह जानकारी उपलब्ध है, आप जाकर साइट को सर्च करके पढ़ सकते हैं। किसी दर्शक ने एक कमेंट में ये सवाल किया था कि माता मदानन कौन है, तो मैंने इंटरनेट पर सर्च करके ये जानकारी निकाली है। दोस्तों, इंटरनेट पर जो जानकारी है उसके हिसाब से मसानिया इस धरती पर बहुत पहले से ही वास कर रही हैं, जिन्हें शमशानी यक्षिणी भी कहते हैं। उन मसानी देवियों में 360 प्रकार की मसानी हैं जो मुख्य होती हैं, जिनमें हाड़ मसानी, वीर मसानी, गुंगड़ मसानी, सेडला मसानी, वसंती मसानी, जल मसानी, पहाड़न मसानी, रुकमन मसानी, ठाकुर देवी फूल माता शीशपत्री मसानी मुख्य होती हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यदि हाड़ मसानी किसी के पशुओं पर लगा दी जाती है तो उसके पशुओं को मारना शुरू कर देती है, और यदि किसी के आदमी पर लग जाए तो उसके जोड़ टूट जाते हैं और जोड़ों के दर्द से ही उसकी मौत हो जाती है। वीर मसानी की यदि कोई पूजा कर लेता है तो उसको शत्रुओं को परास्त करने में आसानी हो जाती है। इसका प्रयोग करने से राजनीति में तरक्की मिलती है। यदि शत्रु पर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो उसका सर्वनाश कर देती है। दोस्तों, गुंगड़ मसानी का प्रयोग जल्दी ही किसी की पकड़ में नहीं आता, क्योंकि आपने देखा होगा कि पवित्र स्थान मंदिर आदि में जाकर पीड़ित व्यक्ति और भूत प्रेत आदि की सवारी आ जाती है और वो अपने बारे में सब कुछ बता देती है। परंतु गुंगड़ मसानी अपने वचन की इतनी पक्की होती है, या तो वो गूंगी बनकर ही रहती है और या फिर वो कभी भी अपना भेद जाहिर नहीं होने देती। चाहे आप ख्वाजा पीर नाहर सिंह वीर या गोगा जाहर वीर को ही क्यों न लगाएं, सेडला मसाणी को यदि किसी पर लगा दिया जाए तो एक हफ्ते के अंदर कब्ज के द्वारा उसकी मौत हो जाती है पेट फूलकर। दोस्तों, वीडियो छोटी है, यहाँ सभी मसाणियों के बारे में बताना मुश्किल है। माता मदानन की सेविकाएं जो हैं सभी देवियाँ हैं। एक मान्यता के अनुसार किसी भी देवी का चढ़ावा माता मदानन ले सकती है, पर मदानन का चढ़ावा अन्य देवियां नहीं ले सकती। माता मदानन को सभी देवियों की रानी माता कहा जाता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के समय योग माया का अवतार हुआ था। जब उन्हें मारने लगे तो आसमान में बिजली बनकर उड़ी और कहा कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने योग माया को अपने मस्तक में धारण किया। जब भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा और वो धरती से जाने लगे तो योग माया से कहा कि कलियों के प्रथम चरण में देवी भगवती मदानन के रूप में अवतार लेगी, आप उनकी सेवा में चले जाएं। योग माया देवी की द्वारपाल है। बाबा सवल सिंह बोरी देवी के दूत हैं, उनके आगे हनुमान और पीछे भैरव हैं। नाहर सिंह वीर भगवती मदानन के रूप में उनकी परिक्रमा करते हैं। रक्तावीर बाबा खेतरपाल जी उनके सेना नायक है। यदि कोई भक्त देवी की भेंट ना दे तो सबल सिंह वीर जाकर उन्हें याद दिलाते हैं। स्वयं तो देवी किसी विशेष भक्त के पास ही जाती हैं। दोस्तों, माता मदानन की जो साधनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा उग्र होती हैं और देवी का प्रयोग मारण उच्चाटन आदि क्रियाओं में किया जाता है। माई नराती देवी मदानन की प्रिय भक्त थी। यदि माता मदानन की सवारी ना आए और माता मानने को तैयार न हो तो माई नराती को आन लगाने से और माई नराती के नाम से बर्फी बांटने में माता शांत हो जाती है। माता मदानन दयावान है, कठोर तो वह सिर्फ अपने शत्रुओं पर ही होती हैं। लाइक शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।